अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। और ये है आज सुबह का टाइम, हमने किया नाश्ता, नान और चने मैंने और तहरीम ने। आई तहरीम का लास्ट पेपर था तो ये देख के आई। उसके बाद फिर मैंने और तहरीम ने मिलके नाश्ता किया। आज दिल कर रहा था कुछ अच्छा नाश्ता करने का, तो इसलिए फिर मैं नान चने ले आई। मुझे बहुत पसंद है नान चने। और मौसम भी चेंज हो गया, दिल कर रहा था लस्सी पीने का, फिर मैंने साथ में लस्सी बनाई और हमने नाश्ता किया। और इधर फिलहाल बैठी भी हमारे साथ नाश्ता कर रही है, माशाल्लाह नान खा रही है। इसको ना पकड़ाएं तो हमारे हमें नहीं कोई खाने देती कुछ। और इधर बनाया मैंने कबाब का पुलाव, कुछ समझ नहीं आ रही थी पकाने की, तो थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था मेरे पास, ब्रेस्ट पीस पड़ा हुआ था। मैंने उसका कीमा बनाया और थोड़ा सा प्याज अदरक लहसुन डाल के, तो मैंने इसको चॉपर में इसका कीमा बना लिया। बीच में मैंने सारे मसाले डाल दिए, नमक मिर्च सूखा धनिया काली मिर्च, इसको डाल के अच्छे से चॉपर में इसका कीमा बना के मैंने इसके कबाब बना लिए। और इधर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। एक छोटा सा प्याज लिया मैंने और जब थोड़ा सा ब्राउन हो गया इसमें ज़ीरा डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाला पूरा ही डालते हैं लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं ज़ीरा ही डालती हूँ। और इधर इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए काट के दो। इसका मसाला अच्छे से भून लेना है, जितना अच्छे से मसाला भुना होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। नमक डाल के मैं टमाटरों को गलने के लिए रख दूंगी ढक के। 5-10 मिनट में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें दूसरे मसाले ऐड करूंगी। ये देखें, सूखा धनिया, पिसी लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ी सी दही ऐड की मैंने। इसका मसाला भून के तो इसमें मैंने ये कबाब ऐड कर दिए जो बना के रखे थे। 5 मिनट हल्की आंच पे मैंने इनको दम लगा दिया तो ये अच्छे से भूनने लग गया मसाला। 5 मिनट मैंने इनको भून के फिर मैंने पानी डाल दिया। चावलों के हिसाब से पानी डाल के तो मैंने इसको रख दिया। फिर थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो वो भी साथ साथ धो लेती हूँ। उतनी देर में चावलों का पानी भी उबल गया तो फिर मैंने चावल धो के डाल दिए। बस थोड़ा सा किचन में आने की देर है, बर्तन ऐसे जमा होते हैं जैसे कोई सवाब का काम है। जितने मर्जी कम बर्तन यूज़ करो, बर्तन जमा होने ही होते हैं। और इधर देखें पानी बॉईल हो गया, मैंने चावल ऐड कर दिए। इसके बाद मैंने इनको दम लगा दिया था 10 मिनट के लिए। ये देखें मज़ेदार से चावल हमारे बन गए, बहुत ही अच्छे मोट, बहुत ही मज़ेदार बने थे। और इधर आ गए फिलज़ा के चाचू, फिलज़ा खेल रही है अपने चाचू के साथ,
गौर से देख ही जा रही है, इतने गौर से देख रही है उसको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।